आप भी एम आई यूजर हैं और दोस्तों आपके मोबाइल पे यूट्यूब वन सेट अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं एम आई यूजर होने पर भी मेरे मोबाइल में यूट्यूब वन सेट अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं यूट्यूब वन सेट को ओपन कर रहा हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और आप मेरी यहाँ पे जीमेल आई डी भी लॉग इन देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो जो टिप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करोगे तो दोस्तों आपके एम आई मोबाइल में भी यूट्यूब वन सेट पूरी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं वन सेट मैनेजर को ओपन कर रहा हूँ तो ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा एम आई ऑप्टिमाइजेशन कहकर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो आपको एम आई ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको क्लोज कर देना है दोस्तों और देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे यूट्यूब वन सेट भी डाउनलोड है और वन सेट माइक्रोजी भी डाउनलोड है। तो आपको सिंपली बैक कर देना है और अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे अबाउट फोन का फीचर्स दिखेगा, इस पर चले जाना है और एम आई वर्जन को बार बार तीन चार बार आपको क्लिक करना है, जिससे आपके में डेवलपर्स ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों फिर आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पे ओपन कर लेना है दोस्तों, फिर आपको डेवलपर्स ऑप्शन मेरे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे फिर आपको एकदम से नीचे चले जाना है। जैसे आप एकदम से नीचे चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे टू रन ऑन एम आई ऑप्टिमाइजेशन, तो इसको बंद कर देना है दोस्तों। और जैसे यहाँ पे वार्निंग दे रहा है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, तीन सेकेंड तक के वेट करना है। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे चले जाना है और ये माइक्रो जी है, जो वन सेट माइक्रो जी है, इसको आपको ऐप इंफॉर्मेशन में चले जाना है और दोस्तों इसका आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आपको परमिशन के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइजेशन कर देना है, नॉट परमिशन अलाउड कर देना है। और दोस्तों फिर आपको यूट्यूब वन सेट को ओपन कर लेना है। जैसे आप यूट्यूब वन सेट को ओपन करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको जीमेल की जगह में जाना है। जैसे आप जीमेल की जगह में क्लिक करेंगे तो ऐड जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों मेरे में सब कुछ लॉगिन हो गया है। जैसे आप इसको जीमेल के ऑप्शन में जाएंगे तो ऐड लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपनी सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही अपनी आप सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको टू रन ऑन ऑप्टिमाइजेशन कर देना है, उसको चालू कर देना है दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।